सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरे बिखम स्थान मन मोह मदिरं महा असाद पंच तस्करे उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरे बिखम स्थान मन मोह मदिरं महा असाद पंच तस्करे हीत मोह पै परम परम प्रमणं अहं फांस दीक्षण कठने पावक तो असाद कोरं अगम तीर नह लंगने हीत मोह पै परम प्रमणं अहं फांस तीक्षण कठने पावक तो असाद कोरं अगम तीर नह लंगने पद साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उधरण कृपा पद साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उधरण कृपा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते स्वयमान सर्ब सांझी वालता दे रहिबर नाम के जहाज हलत पलत दे रखियक लोक परलोक दे सहायक हाजिर नाजर तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत्संगी जनों आप वड़ पागे हो अमृतमय बाणी दा रस बिना कीर्तन इसरी सत्संग सभा पासों बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथल विखे शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन शहादत पुरब नूं कई हफ्तियां तों मनाया जा रहा है जिस संबंध विच आप जी ने इसरी सत्संग सभा अते समूह संगत वल्लों संगती रूप विच श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सरवण किया है उपरंत अमृतमय बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। रोजाना की तरह पंचम गुरदेव जी के मुखारविंद तो उचारण सहस्कृति श्लोकों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मना गुरु चरणों के एकाग्रत करो सुरतियां गुरु शब्द नाल जोड़ो सतगुरु जी के चरणों के हाजरी लवाइए। सतगुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणों के रोजाना की तरह हाजिरी लवाण के लिए गुरबाणी की तुक का गायन करिए कोई रसना खाली ना रहे एक रस जवान दे विच उस गुरबाणी की तुक का गायन करके साढ़े मन दियां हाजरियां सतगुरु पातशाह के चरणों में लग जा। नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तार है 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए
आप मुक्त मोहितारे, 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 आप मुक्त मोहितारे। ऐसे ही गुरु को बल बल चाहिए, आप मुक्त मोहितारे। सहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु जी दे पावन मुखारबिन तो उचारण सहस कृति श्लोक अते जीवन इतिहास दे नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुरु चरणां दे विच एकाग्रत करो, प्रभु की उस्तत करो, संत मीत सावधान एकाग्र चीत दे मावाक अनुसार बड़े ही प्यार अदब सहित रसपनी आवाज विच उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी दे पावन मुखारविंद तो उचारण अज दे अमृतमी बचन सहस कृति श्लोकां विच सतगुरु गुरुवंद साहिब पातशाह जी दे पावन अंक 1359 उपर सुशोभित हन। अज 8वें श्लोक दी विचार आरंभ है। सतगुरु जी ने मेहरामत की थी, इस सारा संसार जिहड़ा एक जंगल दी तरह है, ते इस जंगल विच वसन वाले जिहड़े जीव जंतु ने उह मनुख दे रिश्तेदार ने, संबंधी ने, भाव इस भयानक संसार दे विच जंगल दे विच मनुख विकारां नूं अपने संबंधी बनाई बैठे। इत्थे मनुखां दी गल नहीं है कि सरबंधी जड़े ने वह पशु पंछी ने, रिश्तेदार जड़े ने वह जंगल के जानवर ने, भाव यदा मतलब यह नहीं कि माता पिता भैन भरावान की गल नहीं, मनुख के आत्मक जीवन के जड़े रिश्तेदार ने वह बने हुए ने काम क्रोध लोह मोहंकार, ये रिश्तेदार बन गए ने। सतगुरु जी के वचन उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खरे दिखम स्थान मन मोह मदिरंग मां आसाद पंच तस्करे। उद्यान बसनंग संसारंग, जीव जिहड़ा संसार रूपी उद्यान विच वसदा है, उद्यान मैंने जंगल, इस संसार बड़ा बड़ा जंगल है, ते इस संसार जंगल दे विच मनुख दे संबंधी केड़े ने, संबंधी स्वान स्याल खरे, स्वान मैंने कुत्ता, स्याल मैंने गिद्दड़, खरे मैंने खोता, भाव ये कुकर सूकर आदिक जड़े ने, ये खरे खोते आदिक जड़े ने, ये मनुख ने संबंधी बने हुए ने, ये रिश्तेदार बने हुए ने। सचमुच आत्मक जीवन उदो जंगल हो जाता है जे आत्मक जीवन दे विच रब्बी नाम ना होवे। सतगुरु पातशाह ने बाणी च वचन किया कि मनुख स्वर्ग वर्गे देशां च वसदा होवे। हुण स्वर्ग वर्गे देश किहड़े ने? आ देश स्वर्ग वर्गे ने, कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप दे देश स्वर्ग वर्गे ने, जिथे हर सहूलत है मनुख नूं, हर सुख है। स्वर्ग वर्गे देशां च मनुख वसदा होवे पर जे रब नाल टुटिया होया ना, समझ लो भी उतों वड्डा घोर नरक कोई नहीं। देश बड़ा खूबसूरत होवे, खाण पीन नूं भोजन वधिया मिलदा होवे, पहनण लई कपड़े वधिया मिलदे होण, रंग चोज तमाशे होण इस दुनिया दे, इन्ने सुख माणदिया होया जे रब दी याद जीवन विच नहीं, समझ लो आत्मक तौर ते मनुख जंगल च भटकदा फिरदा है। सतगुरु पातशाह ने वचन कीते, बसंत स्वर्ग लोकै जित ते पृथ्वी नव खंडणै। बसंत वर्गे स्वर्ग वर्गे देशां च लोक वसदे होण, बसंत मने वसदे होण, स्वर्ग लोक है, स्वर्ग वर्गे लोकां विच, स्वर्ग वर्गे देशां दे विच, भाव स्वर्ग वर्गे देशां च मनुख वसदे होण, बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडणै, पूरी धरती नूं जित लैण। हुण पूरी धरती नूं ते इक आदमी जितेगा, पर इत्थे धरती नूं जित्तण दा भाव पूरी दुनिया तक दी पहुंच होवे। हुण जे इत्थों ब्रिटिश पासपोर्ट होण जिन्हां लोकां दे, मन नूं धरती नूं जित्तिया होया, जिधर मर्जी चले जाण, धरती दे जिस कोने ते मर्जी चले जाण, कोई रोकदा थोड़ी उन्हां नूं।
ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਲੈਣ। ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ ਜਿੱਤਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੇ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ ਮੈਨੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਤਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੇ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਗੋਪਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪ੍ਰਮਣੇ। ਸਮਝ ਲਿਓ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪ੍ਰਮਣੇ, ਉਦਿਆਨ ਮੈਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਣੇ ਮੈਨੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੇ, ਘਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੇ, ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ, ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਮੈਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਸ ਨਾਓ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੋਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਮੈਨੇ ਕੋਰ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਿਓ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਮੈਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਉਦਿਆਨ ਮੈਨੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਝੂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੈ ਦੇਵਾਨੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨੇ ਆ, ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ਤਾਨੇ ਆ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੇਵਲ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਵਸਣ ਸੰਸਾਰੰਗ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਧੀ ਨੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ, ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਮੈਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਲੋਭ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਕੁਕਰ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਖਰੇ, ਖਰੇ ਮੈਨੇ ਡਰ, ਗਿੱਦੜ ਡਰਪੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਡਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਮੈਨੇ ਖੋਤਾ, ਖੋਤਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਢੁੰਦਾ ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਢੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਗੁਰਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖੋਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਘੋਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚੇਗਾ? ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨਮੋਹ ਮਦਰੰਗ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨਮੋਹ ਮਦਰੰਗ ਮਹਾਂ ਅਸਾਦ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਪੰਜ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰਗ, ਮਦਰਿੰਗ ਮੈਨੇ ਮਦਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰਗ ਮਹਾਂ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸਕਰੈ। ਮਹਾਂ ਅਸਾਧ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਚ ਤਸਕਰੈ ਪੰਜ ਲੁਟੇਰੇ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਮਣੰ ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਤੀਖਣ ਕਠਨੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਮੋਹ ਡਰ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੂਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ ਭ੍ਰਮਣੰ ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਤੀਖਣ ਕਠਣੈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਫਾਂਸੀ ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਤੋਂ ਅਸਾਧ ਘੁਰਨ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਕ ਤੋਂ, ਪਾਵਕ ਮੈਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅਸਾਧ ਘੁਰੰਗ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਪਾਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਤੀਰ ਨਹਿ ਲੰਘਣੇ, ਤੀਰ ਮੈਨੇ ਕਿਨਾਰਾ, ਅਗਮ ਮੈਨੇ ਔਖਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਨਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਹਿ ਲੰਘਣੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਗ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਤਰਤੀਬਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਗ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝਾੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਗ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਲਾਣੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਸ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਝਾੜੀ ਆਈ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਖਾਈ ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਖੱਡਾ ਆਇਆ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਸਤਾ ਖੋਜ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦਿਨੇ ਹੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ
थां थां मैप लगे ने कि यह रस्ता गेट का बाहर इधर नू जांदा है। जंगल विच ते मैप भी कोई नहीं लग्या, नक्शा भी कोई नहीं लग्या। आप सोच सोच के लंघना पैंदा है। आप सोचो जिहड़ा मनुख जंगल विच फस जाए वह मनुख बाहर किवें निकले। विदण खूही मुंद इकेली, ना को साथी ना को बेली। यह वो रस्ता है जिथे कोई साथी मित्र भी नाल नहीं तुर सकता। बाग विच चार जने इकट्ठे चल सकते ने, जंगल विच चार जने इकट्ठे नहीं चल सकते। कित झाड़ी है, कित दरखत है, कित टोए टिब्बे ने, कोई दूरों घूम के लंघ जाता है, कोई टप के निकल जाता है। रात के हनेरे च अपना हाथ नहीं सुझदा, दूजे नूं मिल के कोई किवें तुरे। जंगल का सफर इकलिया करना पैंदा है। फिर इस जंगल के सफर दे विच जंगली जीव जिहड़े ने उह चीखदे ने, डरांदे ने। बार विडाणे हुम्मस तुम्मस कूकां पईआं राही बार आखदे ने जंगल नूं। ते जंगल भी जिहड़ा बेगाना है, अजनबी है, जिस जंगल की पछाण नहीं, रस्ते किधर नूं जांदे ने। बार विडाणे विडाणे मैने बेगाना जंगल है। हुम्मस तुम्मस रात का घुप हनेरा है, कूकां पईआं राही। ते रस्ते दे विच्चों कई वारी जंगली जीव चीखदे ने, मनुख डर जांदा है। आत्मक जीवन के जंगल में मनुख फस के रह गया। किते नू पंज चोर लुटते ने, किते नू विकार डराते ने, किते इनू पाप खाते ने, किते मोह के नशे दे विच डुबिया हुंदा है, किते विकारां की अग इनू साड़दी है। इस पापां के जंगल में मनुख घिरिया होया, किवें निकले। अज दे बचन उद्यान बसनंग संसारंग कहिंदे जीव मानो जंगल च वस रहा है, आत्मक तौर पर यह जंगल में घिरिया होया है। पूछिया फिर कोई तरीका नहीं बचन का? सतगुरु पातशाह कहणगे एक तरीका है। याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने एक जुगत दित्ती सी सिख पंथ नूं। अज सिख पंथ खेरू खेरू है, टुकड़े टुकड़े है, कई संप्रदावां विच वंडिया गया, कई संस्थावां विच वंडिया गया। एक सिख दूजे सिख नूं देख के बर्दाश्त नहीं करता, पता नहीं किहड़ी जथेबंदी दा है, किहड़ी संप्रदा दा है, बर्दाश्त नहीं करता। कलगीधर पातशाह नूं पता सी कि आने वाले समय इहो जिहा समा आ सकता है जिथे पंज सिंघ इकट्ठे होण ते पंजे भी एक दूजे नाल मिल के ना चल सकण। पंजां दी विचारधारा अलग अलग होवे, पंजे भी एक दूजे नूं कढ़दे होण। हो सकता है इहो जिहा समा आ जाए जिथे पंजां दी विचारधारा भी एक ना हो सके, उत्थे की कीता जाए। अज पंज सिख जिथे इकट्ठे हो जाण, पंजां दी सोच एक दूजे नाल नहीं मिलदी, एक दूजे नूं कटदे ने, ते पूरी कौम दी सोच एक दिन किस दिन होएगी? सारी कौम दी सोच एक दिन किस तरह होएगी? पंजां दी सोच नहीं पूरी हो रही। सतगुरु नूं पता सी कदी इहो जिहा समां आ सकदा है जिथे पंज वी इकट्ठे होण, आपस च सोच नाल रले, क्यों ना इहनां नूं इक जुगत दे जाइए। सतगुरु ने जुगत दित्ती। जदों चमकौर दी गड़ी चों बाहर आए ते तीन सिख नाल ने, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते भाई मान सिंह जी। दो पंजा प्यारियां विचों ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, एक गुरु का सिख है भाई मान सिंह। तीन सिख नाल तुरे ते चौथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप ने। अगे जिहड़ा रस्ता है वह जंगल दा है, सफर जंगल दा है। ते कलगीधर पातशाह नूं पता है कि जंगल दे सफर दे विच असीं चार जने भी मिल के नहीं चल सकते, पंजां दा चलना ते औखा है। संसार जंगल दे विच अज पंज भी नहीं मिल के चल सकते। सतगुरु ने उदाहरण फिर चार दी वरती, कहिंदे भाई दया सिंह असीं चार तुरन लग्गिया जंगल दे विच, सानूं पता है असीं इकट्ठे मिल के नहीं चल सकते। कोई तिखी चाल चलेगा, तेजी काली कदमी अगे निकल जाएगा, कोई हौली हौली तुरेगा, कोई थकिया होएगा, कोई उनिंदरा हो जाएगा, रस्ते च बह जाएगा, कोई तेजी नाल चल पेगा। असीं चार जने इकट्ठे नहीं चल सकते। फिर रस्ता जंगल दे, कोई तो किसी दरख्त नूं टप के निकल जाएगा, कोई पूरे डिगे हुए दरख्त तो पूरा घूम के जाएगा। रस्ते च खाई खड्डा आ जाएगा, कोई छाल मार के टप के निकल जाएगा, किसी नूं घूम के जाना पैना है। फिर सफर भी रात नूं करना है, हनेरे च, हनेरे विच ते हाथ नूं हाथ नजर नहीं आउंदा, चार जने आपां किवें मिल के निकलांगे, मुश्किल हो जाएगी।
सफर ते शुरू करन लगे हाँ और दो रातां दा सफर है, एक रात का भी नहीं है, दो रातां दा इन्ना लम्मा जंगल का सफर है ते आपां विछड़ जावांगे, इकट्ठे नहीं चल सकांगे। ते भाई दया सिंह कहन लगे सतगुरु फिर कोई तरीका कोई जुगत ताकि इकट्ठे हो जाइए दो दिन बाद। सतगुरु पातशाह कहन लगे हाँ एक तरीका है, आओ सिखो तुहानूं कोई जुगत दे दें, साफ आसमान विच देखो तारे चमकदे ने, तारियां दी सेध दे विच इकट्ठे हो जायो, दूजे दिन असीं चारे इकट्ठे हो जावांगे। इस तारे दी सेध विच तुरदे रहियो, अज रात का सफर भी तारे की सेध विच करियो, कल रात का सफर भी तारे की सेध विच करियो, तारे की सेध तुरी जायो, एक एक करके असीं एक जगह इकट्ठे हो जावांगे। पुराने जमाने तारियां दे नाल ही टाइम का पता लगता सी, तारियां दे नाल ही दिशा का पता लगता सी, तारियां दे नाल दिशा का। अज भी आसमान विच देखो ना सप्त ऋषि तारा समूह है, सप्त ऋषि नूं कहिंदे ने पाव सत ऋषि, वह सत तारियां का समूह है। तो इस तरह बनिया जिवें मानो डिपर बनिया हुंदा कोई, जिवें चमचा बनिया हुंदा, फिर उस तारे दे चमच दे मूँह वाली सेध जिहड़ी है बिल्कुल जांदी शुक्र तारे वल, शुक्र तारे वल दी जांदी है। जिहड़े आसमान नूं जाणदे ने जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है उन्होंने इस गल का पता होगा, खगोल विज्ञान। एक तारा ध्रुव, ध्रुव तां कहिंदे ने जिमें आखते ने भी ध्रुव डोलिया नहीं जी, ध्रुव भगत अडोल रहा। गुरबाणी ने भी किया नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रुव अडोल रहा। वो तारा भी अडोल है, उहदा नां रख दिता भारत के लोगों ने ध्रुव, यह भी नहीं डोलता। हालांकि तारा भी चल रहा है, धरती भी चल रही है, पर धरती की इस दिशा के विच है जिस दिशा तो लगता ही नहीं है भी वह तारा भी घूम रहा है। मान लो दो ट्रेनां कट्ठियां चलदियां हुण इको स्पीड ते, तो एक ट्रेन विचले आदमी को पता नहीं कि नाल दी ट्रेन भी तेजी नाल चल रही है, वह सोचता है रुकी हुई है। धरती भी उन्नी स्पीड ते है, वह तारा भी उन्नी स्पीड ते ध्रुव, पर धरती की दिशा तो देखने तो लगता है जिवें टिकिया होया है। उस गल का फायदा उठाया मनीषियां ने, वह फायदा यह उठाया कि उहदे नाल असीं दिशा देख सकते हैं क्योंकि उन्हें टिके रहना है। सप्त ऋषि तारा समूह ने बदलते रहना है, शुक्र तारा जिहड़ा है वह दूसरा कॉर्नर होएगा, दूजा कॉर्नर होएगा। शुक्र तारा किहड़ा मैं ये भी तुहानूं दस देवां, जो शाम होंदी है तारे छिप जाते हैं, आसमान के एक कोने ते एक तारा बड़ा चमकदा हुंदा है, वह शुक्र तारा है। जो सवेर होंदी है सारे तारे छिप जाते हैं, पर आसमान के एक कोने ते एक तारा चमकदा रहिंदा है, वह शुक्र तारा है। शुक्र तारा, सप्त ऋषि तारा समूह ते ध्रुव तारा, इन्हां नौ तारियां दे नाल वह लोग दिशा देखते हुंदे सन ते समा देखते हुंदे सन कि ये तारे इत्थे पहुँच गए ने, हुण रात इन्नी लंघ गई है। कलगीधर पातशाह कहन लगे सिखो आ जिहड़ा ध्रुव तारा है ना ये अडोल है, टिकिया होया है, तारा समूह दे नाल इस दिशा दे विच तुरदे जायो ते इस तारे की सेध दे थले आ जायो, सवेर हुंदे हुंदे असीं इकट्ठे हो जावांगे। बस तारे की सेध ना भुल जायो, तारे की दिशा ना भुल जायो, ये तारा तुहानूं दिशा दसेगा, यह तारा तुहानूं सेध देगा। बस इस सेध विच तुरे आयो, की होएगा भावें दो रातां दा लम्मा सफर होवे जंगल दा, भावें दो रातां असीं आपस च मिल ना सकीए, पर सवेर हुंदे हुंदे असीं एक थां जरूर इकट्ठे हो जावांगे। ये तारा दिशा भी दसेगा, समा भी दसेगा। इस तरह ही होया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, चारे जणा ने अपना सफर शुरू किया, विछड़ गए। सफर शुरू होंदिया सारी विछड़ गए, जंगल च सारी रात का सफर किया, दिने आराम किया, अगली रात फिर सफर किया, क्योंकि मुगल हुकूमत जिहड़ी है वह लभदी फिरदी है, रात नूं सफर करदे ने, दिने आराम कर लैंदे ने। दूसरी रात का सफर पूरा होया, कलगीधर पातशाह काली कदमी तुरे, तेजी कदमी तुरे, पहला पहुंच गए गुलाबे मसां दे बाग विच, जल्दी पहुंच के जाके घड़ी आराम करन लग गए। अमृत वेला होया तब तक भाई दया सिंह भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं लभदे लभदे तारे की सेध च पहुंच गए, तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कोल पहुंच गए जिथे गुलाबे मसां दे बाग च लेटे हुए ने सतगुरु।
ਲਭਦਿਆਂ ਲਭਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀ, ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਲਸਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਪੰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ, ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਰਹਿਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ। ਅਰਦਾਸ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਵੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਵੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੱਖਰਾ, ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ
साकार कमाई जियो त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो अपनी मन की मत तो इतने छड़ दे कि मेरी मर्जी नहीं मैं गुरु की मत लैन आया त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो इं पावे हर दरसावड़ा नह लगे तत्ती वाह जियो तेन तत्ती वाह भी नहीं लगेगी जिस दिन अपनी मत छड़ के तू गुरु की मत ले लेगा गुरु की मत ले गुरु की मत है वह तारा जिदी सेध विच पूरी कौम ने चलना है जे मैं शब्द के तारे की सेध विच आ जावा दूसरा भी शब्द के तारे की सेध विच आ जाए सारी कौम गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की सेध विच आ जाए तो सारी कौम एक थान पर इकट्ठी हो जाएगी चार जने तुरे एक गुरु तीन सिख जंगल विच वह भी इकट्ठे ना रह सके पर तारे की सेध विच तुरे सवेर होंदे होंदे इकट्ठे हो गए सिखा जे तू बिखड़े जंगल विच भटक गए हैं घबरा ना गुरु ग्रंथ साहब की सेध विच आ जाई तू एक थां ते सारी कौम नूं इकट्ठा कर लेगा सारी कौम एक गुरबाणी की सेध विच तुरना शुरू कर दे ते उस समा दूर नहीं जो कौम की सवेर होंदे होंदे कौम फिर इकट्ठी हो जाएगी आत्मक जीवन भी जंगल बने है पंथ भी जंगल बने है पर इको एक आसरा है शब्द का तारा जे कोई इस तारे की सेध विच आ जाए तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करमा सतगुर शब्द दिखा लिया राम जो कोई गुरु शब्द नाल जुड़ जाता है समझ लो गुरु तारे की सेध विच आ जाता है सतगुरु पातशाह दे अज दे वचन भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा जिस जंगल तो बचना है साध संग मैंने गुरु की संगत विच आ जा भज जप लै गोपाल मैंने प्रभु नूं भज साध संग गोपाल साध संगत विच आ के गोपाल नूं जप लै नानक हर चरण शरण उदरण कृपा जदों हरि प्रभु की चरण शरण विच आ जाएगा हरि प्रभु की चरण शरण उधार कर दिंदी है कृपा कर दिंदी है किस तरह की कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपालै सगलिंग रोग खंडणै जो गोबिंद प्रभु कृपा करता है प्रभु ने कृपा की सारे विकारा के रोग नाश कर दते साध संगेण गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है जदों की साध संगत की रब्बी गुणा नु रमिया प्रभु के गुणा नु जपिया नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है ये नानक प्रभु की पूर्ण प्रभु की शरण प्राप्त हो गई श्यामलंग मधुर मनुख्यंग हृदयंग पूम वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सवजने श्यामलंग मैंने सोना सुंदर मधुर मैंने मिठा ओ मनुख जिहड़ा बड़ा सुंदर होवे जबान तो मिठा बोलता होवे श्यामलंग मधुर मनुख्यंग हृदयंग पूम वैरण जे ओदे हिरदे दे विच वैर की भूमि है जिन्हें अपनी हिरदे की जमीन विच दुश्मनी बीजी हुई है हृदयंग मैंने हिरदे विच भूम मैंने धरती हिरदे की जमीन ते वैरण है जिन्हें वैर बीजिया होया है भाव अंदरों ते दुश्मन है पर बाहरों मथे टेकदा है इहदा मतलब ऐसा इंसान खतरनाक है बाहरों ते चुक के फतेह बनांदा है पर अंदर इहदे जहर भरी हुई है किस तरीके नूं थले सुटदे आ श्यामलंग मधुर मनुख्यंग देखण नूं श्यामलंग मैंने सुंदर होवे मधुर मैंने मिठा बोलण वाला मनुख होवे हृदयंग भूम वैरण है हिरदे दे विच उहदे अंदर वैर दा बीज बीजिया होवे हिरदे दी जमीन दे विच दुश्मनी भरी होवे निवंत होवंत मिथ्या निवंत मैंने चुक जाना उहदा चुकना झूठा है मिथ्या है बाहरों चुक रहा पर सच नहीं जिहड़ा केवल जबान दा मिठा है यही कारण गुरबाणी ने कोई पक्ष नहीं छड़िया कि मिठा बोलन वाला प्रवान हो जाता है जे अंदर जहर है ना फिर नहीं प्रवान होता कबू ना पीजे संजम स्वामी बोले मिठे बैण रब नहीं खुश हुंदा जे अंदर छल कपट है कहूं ना पीजे संजम स्वामी बोले मिठे बैण मिठे बोलां नाल रब खुश नहीं हुंदा जे अंदर झूठ है अंदर छल कपट है रब ते धोखा नहीं खाता बिल्कुल भी कोई बैठ के कीर्तन करे ना रागां दे विच ओह भी रागां दे अधारत सहज विच कीर्तन गाए बड़ा मिठी आवाज विच बोले पर मेरा गुरु कह दिंदा भी प्रवान नहीं है पुछा क्यों कहन लगे दा गाउणा नहीं रोणा है क्योंकि अंदर इहदे दुख है कोई गावे रागी नादी
बेती पो पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे। रब नहीं खुश हुंदा क्यों? जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। जे अंदर छल कपट है अंदर धोखा है फिर गोणा नहीं इहदा रोणा है फिर मालक दे दर ते प्रवाह नहीं है। असी बचन पढ़ते हैं ना मिठत नीवी नानका गुण चंगाइया तत्। इस तो अगला बचन सब को निमे आप को पर को निमे ना कोई। हर कोई मनुख अपने स्वार्थ की खातर चुकद एवें कोई किसी अगे नहीं चुकता। कोई स्वार्थ है तो वो अगे चुक रहे है शायद मैं ये को कुछ मिल मिल जाए। सब को निमे आप को पर को निमे ना कोई। तर तराजू तोली है निमे सो गौरा हो जे तरा तराजू के उपर तकड़ी दे विच समान रखिए ते ओ पल्ला नीवा हुंदा है जिहड़ा ज्यादा भारा हुंदा है। गौरा मैंने भारा निमे सो गौरा होए भाव जिहदे अंदर ज्यादा गुण भरे हुंदे ने निम्रता च ओ चुकदा है। जे गुण नहीं ते बंदा निम्रता च भी नहीं चुकदा। निम्रता ओ मिठे फल ने जिस रुख की टाणी नूं लग जाण जिस दरख की डाली नूं लग जाण ओ डाली चुक जांदी है। फल ने निम्रता का फल लग जाए मनुख चुक जाता है। निमे सो गौरा होए पर सतगुरु ने पक्ष दूजा भी लै लिया कोई पक्ष छड़िया नहीं बाणी ने। पर सिखा परख नहीं इनू मिठा फल लग्या कि नहीं लग्या कि एवें ये पखंड कर रहे हैं एवें झूठा ही निभदा होवे जबान तो झूठा ही मिठास दे नाल बोलदा होवे जबान तो मिठा बोलदा होवे जबान तो फतेह बुलांदा होवे हाथ जुड़े हुए होण सिर झुकांदा होवे तू सोचे भी बड़ी निम्रता है की पता इहदे अंदर दुश्मनी भरी होवे। पुछे इस तरह हो सकता है? सतगुरु ने उदाहरण दित्ती कहन लगे हुंदा है। कई बार देखो शिकारी ने हिरन नूं मारना होवे ना ते ओह जमीन ते लेट जांदा है ते अपनी बंदूक का निशाना उस हिरन ते लगांदा है ते हिरन मन में यह सोचे भी कितना चंगा है शिकारी मैनूं लम्मा पै के मत्थे टेक रहा है मैनूं वह लम्मा पै के मत्थे नहीं टेक रहा तैनूं मारना चाहता है। अपराधी दूणा निवे जो हंता मिरगाए हंता मैंने मारना चाहता है मिरगाए मैंने हिरन नूं। जिवें शिकारी हिरन नूं मारना चाहता है जमीन ते लम्मा पै के निशाना लांदा है ते हिरन मन में यह सोचे मैनूं मत्था टेक रहा है हिरन का भुलेखा है। कोई सोचे भी बड़ा है सिर चुका चुका मत्था टेक रहा है की पता उहदे अंदर छल कपट होवे। अपराधी दूणा निवे जो हंता मिरगाए सीस नवाया क्या थी है जर दे कुसुदे जाए। उस सिर चुकाण का कोई लाभ नहीं जे अंदर हिरदा कुशुद्ध है हिरदा शुद्ध नहीं। सिखा यह ना होवे कि बाहरों मत्थे टेकी जाए अंदर छल कपट भरिया होवे ये मत्था टेकिया भी प्रवाह नहीं चढ़ता। निमंत होमंत मिथ्या एहो जा चुकना मिथ्या है झूठा है। निवंत होवंत मिथ्या चेतन संत सवजन है जेडे संत सज्जन आदक ने वह चेतन रहिंदे ने वह इन्हां धोखियां दे विच नहीं आउंदे वह एहो जे कर्म कांडां विच नहीं फसदे। किसी नौजवान ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं सवाल किया सी सतगुरु असीं तुहाडे चरणां च मत्था टेकदे हां इहदा लाभ की है मत्था टेकण नाल की हो जांदा है? सतगुरु पातशाह ने मोर दित्ती इहनूं रबर स्टैंप कहन लगे इस मोर दे उपर की अखर लिखे ने पढ़। कहन लगा जी अखर पुठे ने पढ़े नहीं जाते। सतगुरु पातशाह ने उहनूं स्याही दे विच लगा के कागज़ के उपर चुकाया मोर नूं। जदों मोर ने कागज़ नूं मत्था टेकिया सतगुरु पातशाह कहन लगे हुण कागज़ ते पढ़ की लिखे है उहने फटाफट पढ़ दिता श्री अकाल जी सहाय देखो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग याफत अज गुरु नानक गोबिंद सिंह। कहन लगे सतगुरु ही लिखे है। सतगुरु पातशाह कहणगे मोर जदों चुकी जिहड़े मोर दे अखर पुठे सी उह सिधे हो गए। मस्तक दे लेख पुठे आउण तों गुरु चरणां च मत्था टेक लई तेरे मस्तक दे लेख सिधे हो जाणगे। उहदा मतलब इह नहीं सी वी जिहड़े आ साडियां मत्थे दे लकीरां उह लेख भाव जिहड़ी तेरी मत्थे दी सोच है भैड़ी इह सोच गुरु चरणां च पेटा कर दे गुरु तैनूं अपनी मत दे देगा जिहड़ी चंगी है तेरी सोच वधिया हो जाएगी। उस सिख ने पता की अगों कहा सतगुरु मैं ते 20 साल तो मत्था टेकदा आ रहा मेरे ते लेख सिधे होए नहीं। मैं ते 40 साल तो मत्था टेक रहा 20 साल तो मत्था टेक रहा मेरे ते लेख सिधे होए नहीं। सतगुरु पातशाह हस पे कहन लगे मोर दे अखर उदो सिधे होंदे ने जदों मोर भिजी होवे शाही च सुक्की मोर चुकाई चल उहदे अखर सिधे नहीं होने। जे सुक्का ही मत्था टेकी जांदा फिर नहीं सिधे होने। प्रेम विच भिज के
तू एक बार गुरु चरणा च मत्था टेक, अपनी मत गुरु चरणा च रख दे, फिर गुरु मत देगा लिख सदे होणगे। प्रेम च भिज के स्याही विच भिजी होवे रबर स्टैंप तां अखर सदे हुंदे ने, जे मोर भिजी ना होवे फिर अखर सदे नहीं हुंदे। एवें सुक्का मत्था ना टेकी जाई, जो प्रेम च भिज के गुरु ते विश्वास करके मत्था टेकेगा, गुरु चरणा च मन मत भेट कर देगा, फिर जिहड़ी गुरु मत देगा ना वह मत तेरी लेखा नूं सिद्धे कर देगी, तेरे मत्थे दे लेख सिद्धे हो जाणगे, पाप तेरी सोच वधिया हो जाएगी। निवंत हुमंत मिथ्या चेतन संत सवजने, कह लगे संत जन जिहड़े ने वह बड़े सुचेत ने, वह गुरु चरणा च अपनी मत रख के गुरु की मत ग्रहण कर लेंगे ने। सतगुरु पातशाह कृपा कर असी भी गुरु की मत ग्रहण करके मनुखा जीवन सफल कर सकीए, इलोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। 60 श्लोकों की विचार हो चुकी है, 7 श्लोक बाकी ने जिन्हां दे विचार अगले दिनों च करांगे। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।